अच्छा शेडिंग इन में क्या होता है बेसिकली शेडिंग इन मेनली आपका सारे का सारा चैप्टर है जो शेडिंग इन बेसिकली उसका स्टेप वन ये होता है मैं साइड पे स्टेप्स लिखता हूँ ताकि तो तो आप लोगों को याद हो सके सो व्हेनेवर वी ट्राइंग टू शेड सम्वालिटीज ऑन द ग्राफ तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर इज के आपने फाइन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है सारी एंड लेबल आफ्टर मेकिंग वाई सब्जेक्ट वाई को सब्जेक्ट बना के उन सबको लेबल कर दिया करना ठीक है नंबर टू सेकेंड काम ये करना नाउ टाइम इज टू डिसाइड ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ठीक है अब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देखते हैं कैसे देखते हैं हमने सो so, आपकी जो भी लाइन होगी अगर उस लाइन के ऊपर जाना तो है और down जाने, तो ग्रेटर देन और डाउन जाना है तो लेस देन का साइन लगेगा और देर इज एन एक्सेप्शन टू दूल कि अगर आपकी लाइन वर्टिकल होगी तो उसमें आप और डाउन तो नहीं देख सकोगे वर्टिकल लाइन तो ऐसे होती है उसमें अगर आपने राइट जाना है तो ग्रेटर देन का साइन लगा देगा अगर आपका शेडेड रीजन लेफ्ट पे होगा तो लेस देन का साइन लगेगा ठीक है जी अच्छा अब इक्वल टू तो का साइन लगेगा या नहीं लगेगा उसका भी रूल सुन लें क्वेश्चन के अंदर एक साइन पहले से दिया होगा सो द क्वेश्चन ऑलवेज गिव्स साइन वो डॉटेड और सॉलिड लाइन वाला रूल ना याद रखना द क्वेश्चन ऑलवेज गिवक्वालिटी वन इन इक्वालिटी इफ इट इंक्लूड्स ग्रेटर देन के नीचे ये वाला इक्वल टू वाला साइन ये जो रेड कर रहा हूं तो देन वी यूज इट विद एवरी इनकालिटी ठीक है अच्छा अब मैं ये तब तक नहीं समझ आता जब तक मैं पहला क्वेश्चन नहीं करके दिखाता हूँ so, सो अब पहला क्वेश्चन करके देखते हैं आपके पास बेटी ये डायग्राम है उन्होंने कहा जी अनशेडेड रीजन आर इज डिफाइंड बाय दिस बाय थ्री इन इक्वालिटीज आप में से जिस किसी का भी बेटे शेडिंग इन इक्वालिटीज वीक है ना आपका असल में शेडिंग इन इक्वालिटीज वीक नहीं है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है आपको लाइन की इक्वेशन नहीं बनानी आती तो हम सबसे पहले लाइन की इक्वेशंस लेबल करते हैं सो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ये वर्टिकल लाइन है जी ये एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है और ये लाइन है ठीक है सो स्लान लाइन के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है सो so, मैं दो पॉइंट्स पिक करता हूँ इसके ऊपर एक पॉइंट है जी जीरो कॉमा फाइव, और एक पॉइंट है जी फाइव, कॉमा जीरो, जीरो फाइव, और ये फाइव जीरो, ये दो पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले तो आप ग्रेडियंट निकाल लेते हो ग्रेडियंट आ गया आपके पास माइनस वन अब आप ग्रेडियंट इक्वेशन लगाते हो वाइस टू तो एम एक्स प्लस सी

कि ये यहाँ से सीधा ऊपर जाए तो डिजायर्ड एरिया आता है या नीचे जाने से डिजायर्ड एरिया आता है अब हमारा डिजायर्ड एरिया था अनशेडेड रीजन तो मेरा जो डिजायर्ड रीजन है बेटे वो सीधा ऊपर जाने से आ रहा है अगर ऊपर जाने से आ रहा है तो बेटे ये साइन ग्रेटर देन का लगेगा यहाँ पे ठीक है अच्छा उसके बाद इसके ऊपर खड़े होके देखते हैं सेकेंड लाइन जो स्लांटिंग लाइन है इससे बेटा सीधा नीचे जाने से टेढ़ा नहीं देख सकते यू कैन नॉट गो ऑन अटिंग साइड सो बेटा वाई सब्जेक्ट बनाने के बाद लेबल करना और अगर सीधा नीचे जाने से आ रहा हो तो ये इक्वल टू के साइन को कन्वर्ट करके लेस देन के साइन में कन्वर्ट कर देना तीसरा ये वर्टिकल लाइन अब वर्टिकल लाइन की एक्सेप्शन याद करवाई है मैंने वर्टिकल लाइन में एक्सेप्शन ये है कि इसका अप और डाउन नहीं देख सकते आप इसमें राइट और लेफ्ट देखना होता है अब आपका डिजायर्ड रीजन किधर को आ रहा है राइट साइड को हट जाने से आ रहा है तो राइट right साइड के लिए बेटे यहां पे क्या लगाएंगे ग्रेटर देन तो नाउ यू विल हैव थ्री इनइक्वालिटीज सो द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज एक्स इज ग्रेटर देन वन द सेकंड इज वाई इज लेस देन एक्स एक्स 5 थर्ड इज थ्री ठीक है अब क्वेश्चन में एक दी हुई है उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है अगर उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है तो आपने भी हर किसी के साथ इक्वल टू लगाना है सो so, अब क्वेश्चन ने कहा था वन ऑफ दीज इन इक्वालिटीज इज दिस वो तो ये आ गई राइट डाउन द अदर टू इन इक्वालिटीज तो अदर टू इन इक्वालिटीज आपको ये दोनों मिल गई ये दोनों आप आंसर स्पेस में लिखाओगे सो so, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है असल में प्रॉब्लम ये बच्चे से लाइन की इक्वेशन नहीं निकाली जा रही होती या बच्चे को ये नहीं पता चल रहा होता कौन सी लाइन की इक्वेशन कहाँ पे है या कौन सी लाइन कहाँ से पास कर रही है ठीक है सो so, आपने पहले सबसे सारी लाइन की इक्वेशंस लेबल करनी है उसके बाद क्वालिटीज के ऊपर इनक्वालिटीज बताना बड़ा आसान काम होता है ग्रेटर देन होगा अगर ऊपर जाना है लेस देन होगा अगर नीचे जाना है वर्टिकल लाइन का ऊपर नीचे नहीं होता उसने लेफ्ट और राइट right जाना होता है ठीक है लेफ्ट जाना होगा तो लेस देन लगाना राइट right जाना होगा तो ग्रेटर देन लगाना क्वेश्चन में एक इनक्वालिटी हमेशा गिवन होगी अगर उसके साथ इक्वल टू लगा होगा तो आप लगाओगे नहीं लगा होगा तो आप नहीं लगाओगे अच्छा देखते हैं जरा दोबारा जी सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं

सो so, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि हाउ आर वी गोइंग टू टेल कि ये कौन सी लाइंस हैं तो ये बेटे हमेशा पता लगता है आपको वाई इंटरसेप्ट्स निकाल के वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है वहां x जीरो पुट कर दो तो y इज इक्वल टू टू इन जीरो प्लस टू तो y x इसको टू पे जो लाइन कट कर रही है दिस लाइन इज y इज इक्वल और देख लो, इसके नीचे रहना था इसलिए लेस का साइन लगा हुआ था अच्छा y x क्या होगी इसका भी इंटरसेप्ट निकालो सो so ये ये मैं तरीका बता रहा कि कि अगर दी हो तो तो आपने आपने कैसे बताना है कि ये किसकी है किसकी तो पे x ये दो तो पता चल गई नाउ आई नो दर्ड वन अच्छा नाउ आई नो कि मुझे तीसरी वाली कौन सी निकालनी है तो मैं अब नीचे वाली जो लाइन है बेटे मैं उसके लिए दो पॉइंट लूंगा एक तो मेरे पास पॉइंट है नीचे वाली लाइन के ऊपर जीरो जीरो इस लाइन के लिए वर्किंग कर रहे हैं एक पॉइंट है जी जीरो जीरो एक पॉइंट है टू वन इसका सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लें वन माइनस जीरो ओवर टू माइनस जीरो तो ग्रेडियंट इज वन ओवर टू वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है वाई इज इक्वल्स टू ने वन बाय टू एक्स सी वाई इंटरसेप्ट होता है बेटे वाई इंटरसेप्ट देखो क्या आ रहा है जीरो मैंने तीनों की इक्वेशन निकाल ली अब आ जी यहाँ पे बनाए हुए स्टिक फिगर्स स्टिक फिगर नीचे रहना है नीचे है आपका रीजन तो यहाँ पे लेस देन आना चाहिए था यही आया हुआ था स्टिक फिगर यहाँ पे भी स्टिक फिगर बनेगा उसके एग्जैक्ट नीचे जाने से आपका रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है तो यहाँ पे भी बेटे लेस देन आएगा और यहाँ पे अगर मैं स्टिक फिगर बनाता हूँ तो बेटे इधर से ऊपर जाने से मेरा रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है तो बेटे यहाँ पे मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा सो अब मेरे पास तीन इन क्वालिटीज हो गई पूरी अब नोटिस करें क्वेश्चन ने इक्वल टू लगाया हुआ है तो हम भी सबके साथ इक्वल टू यहीं पे लगा देते हैं तो आप पहली वाली ये दो तो गिवन है ये दो तो आप टैली कर सकते हो ये देखो टू और वाई इज लेस देन फाइव माइनस एक्स तो ये तो समझ आ गई हमें और जो थर्ड वाली हमने बतानी थी दैट वॉज वाई वॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एक्स सो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर आपको वो पहले से पता हो इनइक्वालिटीज़ और आपने ये बताना हो कि इनक्वालिटी जो है जो इनक्वालिटी आप देखना चाह रहे हो वो कहां पे वो कौन सी लाइन की है तो आपने वहां से इन इक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाना है और वहां पे एक्स जीरो पुट करके चेक कर लेना है वाई इंटरसेप्ट पे के वाई इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है एक और क्वेश्चन देखते हैं जी द शेडेड रीजन इन साइड डिफाइंड बाय दिस वन ऑफ इज दिस

एक्स प्लस टू फाइव एंड अब मैंने दो लाइंस की निकालनी है तो एक तो ये निकाल लेते हैं जी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये तो सीधी सीधी होगी और फिर उसके बाद जो नाम हमारे पास एक और लाइन है जो स्लॉटिंग है उसके ऊपर दोनों दो लेते हैं पहले एक तो जीरो जीरो ले दूसरी लाइन का पॉइंट स्लांटिंग वाली लाइन का और एक वो टू कॉमा फोर में से गुजरती हुई मुझे नजर आ रही है कोई भी ले सकते हैं वन टू भी ले सकते थे छोटे पॉइंट से वो ले लें तो ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट इज इक्वल सी बेटी जिसको ग्राफ देख के पता चल जाता है कि कौन सी लाइन की इक्वेशन है वो वैसे ही कर सकते हैं लेकिन जब इक्वेशन बनानी है वो तो आपको बना के दिखानी पड़नी है ना ग्रेडियंट तो निकालोगे ना तो उसके बगैर इक्वेशन कैसे बताओगे वो तो मैं भी नहीं बताता तो ये तीसरी लाइन की गई वाई इज टू तो जब नई इक्वेशन बनानी है उसके लिए तो आपको लिखना पड़ेगा और बस इतनी सी बात है कि आपने यहाँ पे स्टिक फिगर बनाना है आपने देखना जिसने इसके नीचे शेडेड रीजन है ऊपर जाने से तो ये नहीं आएगा तो यहाँ पे लेस देन लगा देना और यहाँ पे स्टिक फिगर बनाना इसने सीधा ऊपर देखना है तो रीजन आना है तो ग्रेटर देन लगा देना और अब इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ तो अब आप ना लगाओ तीसरे वाले का उन्होंने खुद बताई हुई थी तो y इज लेस देन 2x आ जाएगा एक, एक आंसर और ये y इज y इज ग्रेटर देन 1 अच्छा उन्होंने पूछा हुआ हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स जी इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं फुल नंबर्स होल नंबर्स जिनके अंदर कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता तो देख लें बेटे एक दो और तीन देर वार्ड इन दिस रीजन जो इंटीजर्स थे तो आप आपने कहना था थ्री पॉइंट्स हैं ऐसे जिनके अंदर ये हो रहा होता है और जिनके अंदर ये जो शेड रीजन में भी है और वो उनके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके अंदर डेसिमल में नहीं है कोऑर्डिनेट्स ठीक है अच्छा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको इक्वेशन देख के बताना आना चाहिए कि किस लाइन 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 की है। की y होती है, y होती है, वर्टिकल की इक्वेशन 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 है 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 हॉरिजॉन्टल नंबर नंबर होती 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 वर्टिकल ठीक इस तरह की चीजें अच्छा जी ये वाला देखते हैं सर ओके लेट्स सी आप लोग पहचानते हो कि नहीं के कौन सी कौन, क्या होगा अच्छा जी एक्स इज इक्वल टू सेवन ओवर थ्री कैसी लाइन होगी जी है दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ओ सॉरी वर्टिकल लाइन आई एम रॉन्ग दिस इज गोइंग टू बी अ इज इक्वल टू सम नंबर इज अ वर्टिकल लाइन तो ये जी थ्री एक्स इज इक्वल टू सेवन की ये लाइन होगी टू वाई इक्वल टू है तो वाई इज इक्वल होगा वाई इज इक्वल कोई भी नंबर कैसी होती है हॉरिजॉन्टल तो ये थी टू वाई इज इक्वल टू फाइव की लाइन ठीक है और जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं कैसी लाइन होती है स्लॉटिंग एक ही स्लटिंग लाइन थी डायग्राम के ऊपर सो दिस इज फोर एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जी फोर एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव ये लाइन होगी अब आपने रीजन बताने वन ऑफ दू तो अब देख लेते हैं। बेटे पहले तो इसके ऊपर यहां पर स्टिक फिगर बनाओगे इससे ऊपर जाना है तो टू जाएगा ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे स्टिक फिगर बनाओगे उसने नीचे आना है तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा लेस देन ठीक है सही है तो रीजन इन साइड द ट्राइंगल देखना था अच्छा अब वर्टिकल लाइन के लिए रूल्स डिफरेंट है वर्टिकल लाइन का अप एंड डाउन नहीं होता तो इनका क्या होता है राइट right, लेफ्ट होता है अगर राइट right पे जाना है तो ग्रेटर देन लगा देना ठीक है तो अब आपके पास तीन इनक्वालिटीज़ इकट्ठी होगी थ्री एक्स इज ग्रेटर देन सेवन फोर एक्स माइनस फोर वाई इज लेस दे और तीसरी थी, थी आपके पास टू वाई ग्रेटर देन फाइव ये तो ये वाली है

अच्छा ये वाई इज इक्व टू थ्री एक्स माइनस टू है आपके पास ये क्या करें ये कौन सी वाली होगी एक्स को ज़ीरो पुट करें वाई इज इक्व टू थ्री इंटू जीरो माइनस टू तो वाई को माइनस टू पे कट करना चाहिए यहाँ पे कट करना चाहिए था ये देख लें ये वाली लाइन है वाई इज इक्ल्स टू थ्री एक्स माइनस टू अब ये वाली लाइन रहेगी जो पीछे वाली निकालने वाली है उसके लिए दो पॉइंट्स ले लें ले, एक ज़ीरो जीरो है और एक माइनस वन कॉमा टू है पॉइंट गलत मत ले लेना जीरो जीरो माइनस वन कोमा टू ग्रेडियंट निकाल लें ग्रेडियंट क्या है जी वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस टू ग्रेडियंट आ गया वाई इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी लगा दें वाई इज इक्व टू माइनस टू एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट है जीरो है तो वाई इज एक सो वाई इज इक्व टू नेक्स सी आ गई अच्छा बेटा ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन लगाओ ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा इसके ऊपर भी इससे ऊपर रहना है आपने सीधा ऊपर रहना है आपने सीधा ऊपर और सीधा नीचे देखना होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू और बेटा इधर स्टिक फिगर बनेगा तो इस लाइन से सीधा नीचे देखेगा तो लेस देन और इक्वल टू तो अब आपके पास जो तीन बन जाएंगी दैट वुड बी देख लो वाई इज लेस देन और थ्री वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एक्स 2x and y is greater than ग्रेटर equal to 3x minus टू तो so, ये तो ये वाली है आपने बाकी की दुआं से स्पेस में लिख देनी है ठीक है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है इसके अंदर इट्स प्ट सिंपल